नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे छठे भाव की, और अगर छठे भाव का स्वामी रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। और इसके अंदर जो है कि पहले हमें छठे भाव को समझना पड़ेगा। छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि छठा भाव जो है कि हमारे प्रारब्ध का है, क्योंकि लगन से ही छठा भाव हमारा प्रारब्ध को दिखाता है कि हमें इस जीवन में क्या करना है, किस चीज पे मेहनत करनी है, कहाँ हमें संघर्षों मिलेंगे, कहाँ हमें चुनौतियां मिलेंगी, वो छठा भाव बताए। और ये जो है कि हमारे जो नवम भाव है, नवम भाव हमारी उत्पत्ति का भाव है, हमारे डीएनए का है, हमारे पिताजी का, जहाँ जिसके द्वारा हमें इस पृथ्वी पर लाया गया। तो जो हम नवम भाव से अगर गिनेंगे, नवम भाव धनुराशि, धनुराशि जो है कि हमारे जो है कि उत्पत्ति को दिखाती है, मूल नक्षत्र वहीं पर ही हमारी जड़ जो है, मूल नक्षत्र जड़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जड़ जो है कि वो नवम भाव है। वहां से जो है कि हमारा ये भाव छठा भाव दशम भाव है, यानी हमारे कर्मों का, हमारी उत्पत्ति किन कर्मों के लिए हुई है, क्योंकि लगन से दशम भाव हमारे कर्मों का है। और ये जो हमारा है, हमारे भाग्य में जो कर्म लिखे हैं, तो जब छठा भाव की बात हम करते हैं तो छठे भाव जो है कि हमारे कर्मों को दर्शाता है, उन कर्मों को जो हमारे पेंडिंग है, या हमारे पिता जो करना चाहते हैं कर नहीं पाए, उनको हमें आगे लेके चलना है, या हमें पास्ट लाइफ में जो हमारे कर्म नहीं किए हैं उनको आगे लेके चलना है, उनको संपूर्ण करना, वो हमारा दशम भाव है। तो इसी प्रकार से अगर हम नवम भाव से देखा, तो अगर हम दशम भाव से देखें, अगर 10th हाउस से देखें, तो 10th हाउस से ये जो है कि नवम भाव है, यानी कि हमारे दशम भाव से नवम भाव, हमारे कर्मों का भाग्य कहाँ से बनेगा, छठे भाव से। इसलिए छठे भाव के बगैर हमें जो है कि सफलता मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। छठे भाव के स्वामी खास करके जो, अगर वो अच्छी जगह पे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो वो जो है कि कुंडली को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। छठा भाव जो है कि तृष्ठा भाव के अंदर भी आता है, अपोलियम भाव के अंदर भी आता है, उपचय भाव के अंदर भी आता है, तृक भाव के अंदर भी आता है, यानी कि ये हर जो भी डेफिनेशंस हमारे जो ऋषियों ने दी हैं ग्रहों के ग्रुप्स को, उन सब के अंदर छठे भाव की इन्वॉल्वमेंट होती है। छठा भाव हमारी मेहनत का है। देखो, कोई भी जो भाव होता है, चतुर्थ भाव वहां से, जैसे कि हमारे अगर थर्ड हाउस को लें, थर्ड हाउस क्या है, हमारे स्किल्स क्या है, हमारी जहां से हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती, जिस चीज को हम पसंद करते हैं, या हमारे पास जो स्किल्स हैं, तो उस पे जो है उसका 4th हाउस, उसका सुख छठा भाव है। अर्थात हमें अगर चौथे भाव, तीसरे भाव का सुख लेना है, यानी स्किल्स का सुख लेना है, या अपनी इच्छा, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमें उसका सुख लेना है, तो उस पर काम करना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो काल पुरुष कुंडली के अंदर वहां पर कन्या राशि, तो मेहनत के द्वारा ही हम जो है उस सुख को पा सकते हैं, ये हमारा छठा भाव दिखाता है। तो यहाँ पर आके स्किल्स को डेवलप करना है, यानी स्किल्स को हमें मास्टरी करनी है, वो हमारा छठा भाव दिखाता है। तो छठे भाव जो है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और छठे से छठा, यानी छठा, अगर हम मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, तो उसका प्रारब्ध बन जाता है हमारा लाभ, यानी कि हमें उसके द्वारा कुछ ना कुछ गेन मिलेगा, हमें वहां से सफलता प्राप्त होगी, हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, हम ये कह सकते हैं। और जो है कि आप अगर देखें, तो लगन से दूसरा भाव, लगन से दूसरा भाव हमारा सस्टेनेंस का बोला गया है, यानी कि हम पैदा हुए, लगन हम स्वयं हैं, तो उसको सस्टेन करने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है, फूड की, दूध की। इसलिए चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर उच्च होते हैं, वो दूध को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जो है कि दूसरा भाव, किसी भी भाव से दूसरा भाव उसको सस्टेन करता है। तो इसी प्रकार से पंचम भाव को सस्टेन करने का, यानी पंचम भाव को बढ़ाने का, पंचम भाव किस चीज का है, पूर्व पुण्य का। अगर लगातार हमें पूर्व पुण्य, जो हमें पुण्य है प्राप्त हुए हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी करनी है, तो या उसको जिंदा रखना है इस जन्म के अंदर, उसके फल प्राप्त करने हैं, तो छठे भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तो वो पंचम से दूसरा है। बुद्धि का विकास भी है, एंटरटेनमेंट से दूसरा भाव, प्लेग्राउंड से दूसरा भाव, क्योंकि तो 5th हाउस प्लेग्राउंड का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है, और राजा की गद्दी भी है।
अगर राजा की अगर आप कहीं ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, आपने गद्दी हासिल कर ली है, नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली, लेकिन उसको सस्टेन करना है यानी लंबे समय तक उस पर बने रहना है, तो आपको छठे भाव की आवश्यकता प्राप्त, मतलब सहयोग प्राप्त होना चाहिए और आपको आवश्यकता महसूस होगी। तो छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बोला गया कि अगर छठा भाव जो है कि रोग का, ऋण का, शत्रु का भी, यानी कि चुनौतियां होंगी हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है, उनके द्वारा हमारे को बड़ी से जितना मजबूत छठा भाव होगा उतनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी मजबूत होगा, बलवान होगा, तो वो उन चुनौतियों को पार कर कर आपको सफलता दिलाएगा। क्लियर है छठा भाव क्यों आवश्यक है? छठा भाव ऋण का भी है, हमने ऋण लिया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन छठा भाव अगर मजबूत है तो हम ऋण चुका पाएंगे, हम कर्जे के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, हम उस कर्जे को चुका देंगे, ये भी छठा भाव है। छठा भाव बीमारियों का है, हमें कोई बीमारी लग जाती है, लेकिन छठा भाव अगर मजबूत है, जब उसका स्वामी मजबूत है, तो हम बीमारियों से जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे या बीमारी हमें होगी ही नहीं, अगर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं वहां पर। छठा भाव जो है कि मेहनत का, तो छठा भाव इंटरेस्ट टाइम का होता है हमारे शरीर के अंदर। सबसे ज्यादा मेहनत उसी को करनी पड़ती है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, वेस्ट को अलग करने के लिए, जो प्रोटीन्स वगैरह हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, कैलोरी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो सब को शरीर को देना और वेस्ट को अलग करना, वो छठे भाव का कार्य। तो सबसे ज्यादा मेहनत वही होती है। तो अगर हमें सफलता पानी है तो सबसे ज्यादा मेहनत हमें छठे भाव पे करनी है। अब आ जाते हैं छठे भाव, जो हमारा आज का विषय है, वक्री ग्रह के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और छठे भाव का स्वामी यदि वक्री हो, तो आपने सभी को पता है कि छठे भाव, कोई भी भाव का स्वामी जब वक्री हो जाता है तो उसके अंदर एक चेष्टा बल आ जाता है और वो बलवान हो जाता है। तो जब छठे भाव का स्वामी अगर वक्री होगा तो वो बलवान हो जाएगा, यानी रोगों से आपको बचाएगा, प्रतिद्वंदी कितना भी ज्यादा मजबूत हो उस पर विजय दिलाने के लिए आपको काम करेगा, आप पे कर्जा उसे छुटकारा दिलाने का काम करेगा, वो सब जो है कि छठा भाव उसको स्वामी अगर वक्री है तो मजबूत हो गया, उसके अंदर चेष्टा बल आ। तो चेष्टा बल का मतलब ये है कि उसके अंदर बार बार उस भाव के प्रति रिजल्ट देने का या वहां पर सफलता दिलाने के लिए वो बार बार चेष्टा करें, ये जो है कि छठे भाव का स्वामी का कार्य बनता है। सॉरी, अब चार्ट के द्वारा समझते हैं इनको। अब ये जो है कि एक टेनिस खिलाड़ी का चार्ट है, स्टेफी ग्राफ। अब मेरी उम्र के जो लोग होंगे उनको तो सबको मालूम ही होगा, बाकी और लोग भी जानते होंगे क्योंकि बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रही हैं। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और ये टेनिस खिलाड़ी थे, और इन्होंने जो है कि नंबर वन की पोजीशन बहुत समय के लिए होल्ड करके रखी थी, ये नंबर वन पे पहुंची और उसके बाद उसको सस्टेन किया, नंबर वन बनी रही। तो इनका जो छठे भाव का स्वामी मार्स, मंगल, वैसे भी जो कि मंगल जो है कि एक कार का या पराक्रम को दर्शाता है, एक एनर्जी को दर्शाता है, और ये खेलों के अंदर जाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्लैनेट है। अगर 6th हाउस से सर कनेक्शन बन जाता है, 10th हाउस से कनेक्शन होता है, खासकर 6th हाउस से 3rd हाउस से, क्योंकि 3rd हाउस हमारे स्किल्स का है और 6th हाउस हमारे जो है कि मेहनत का। तो और जो है कि यहाँ लेडिकेशन हैं या प्रतिद्वंदियों से लड़कर चुनौतियों को पार करना, वो सब हमारा मंगल दर्शाता है। तो मंगल यहाँ पर वक्री होकर स्वग्रह ही है, तो अपने भाव को, एक तो स्वग्रह ही है इसीलिए अपने भाव को मजबूत कर रहे हैं, दूसरा वो रेट्रोग्रेशन है, उसके अंदर जो है कि पावर आ गई है, चेष्टा बल आ गया है, तो इसकी वजह से जो है कि मार्स यहाँ पर जो है कि सस्टेज होकर जब वो वक्री हुआ तो उसको वो जो है कि पराक्रम उसके अंदर कूट कूट के भर दिया गया, उस जातक के अंदर ना हार मानने वाली शक्ति उसके अंदर आ गई और वो जो है कि नंबर वन की पोजीशन में पहुंची और बहुत दिनों तक वहां पर बनी रही, ये जो है कि मार्स ने करके दिखाया। और चार्ट ले लेते हैं, इसमें मैं पॉलिटिक्स के चार्ट भी लूंगा, पहले खिलाड़ियों के ले लेता हूँ, फिर पॉलिटिशियन जो है उनके लूंगा,
अब यहां पर जो है कि एक बॉक्सर का चार्ट है, मोहम्मद अली, सबको इनका नाम याद होगा, बॉक्सिंग जगत के अंदर बहुत नामी गिरामी बॉक्सर है ये, या कहें कि ऑल टाइम जो कि बेस्ट। अब इनके चार्ट के अंदर देखिए कि आपका छठा भाव का स्वामी हो बना, धनु राशि है तो बना जुपिटर, और जुपिटर लाव भाव के अंदर रेट्रोग्रेड। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में मैं एक बात और बोलती हूँ कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट मेहनत के बाद देता है, यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है कि धीमा हो जाता है, क्योंकि जब रेट्रो होता है कोई प्लैनेट तो अपने जो मार्गी चाल से वो थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि जब वो रेट्रो होता है उससे पहले वो रुकता है एक दिशा में जाते हुए और फिर आगे बढ़ता है दोबारा, यानी कि आप सीधा चल रहे हैं, उसके बाद अगर आपको पीछे वापस पलटना है तो आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप पलटोगे। तो इसी तरीके से रेट्रो प्लेनेट है कि वो बहुत धीमा हो जाता है पृथ्वी के पास आके, इसलिए उसका इम्पैक्ट पृथ्वी पे जाता है या हमारे मानव जीवन पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है जब हम उस समय पे जन्म लेते हैं, उस टाइम जो ग्रह रेट्रो। तो जुपिटर रेट्रो है, छठे भाव का स्वामी है, तो नेचुरल सी बात है कि तो छठे भाव के काम करने के लिए इसको चेष्टा बार बार करेगा, मतलब कि लेट मिलेगा, मेहनत ज्यादा करवाएगा, फर्स्ट टाइम में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलने हैं, आपको वो नंबर एक पोजीशन पे पहुंचाएगा, और वैसे भी वो जो है कि लाभ भाव के अंदर गया है तो वो आपकी इच्छा पूर्ति सब कुछ करवाएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब एक और चार्ट ये है सद्दाम हुसैन, जिन्होंने कि इराक को लीड किया, कहें कि सबसे शक्तिशाली नेता या डोमिनेटिंग नेता वो जो है ये। अब इनके चार्ट के अंदर भी छठे भाव का स्वामी मंगल, छठे भाव में ही रेट्रो और एक और दूसरे रेट्रो ग्रह राहु के साथ है। अब रेट्रो ग्रह के साथ होने का क्या परिणाम होता है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर जो है कि छठे भाव का स्वामी रेट्रो है, जिनकी वजह से इन्होंने हार नहीं मारा, और लाव भाव का स्वामी भी है, और सूर्य का डिस्पोजिटर है अगर देखा जाए, तो सूर्य जो है कि मंगल की राशि में है तो उसका डिस्पोजिटर भी है, और छठे भाव में आके रेट्रो हुआ है, तो ये लाभ भाव का रिजल्ट और छठे भाव के रिजल्ट को बढ़ाए, यानी इच्छा पूर्ति को बढ़ाएगा। और लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि ये जो है कि लग्नेश का शत्रु है। अब जब भी कोई छठे भाव का स्वामी जब लग्नेश का शत्रु हो जाता है, क्योंकि एक खराब भाव का स्वामी कोई छठे भाव को रोग ऋणी शत्रुओं का भी माना जाता है, तो ये इनके द्वारा इनको पीड़ा भी होगी, क्योंकि वो लग्नेश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लग्नेश का शत्रु है, तो कुछ ऐसे कार्य भी वो कर सकते हैं जिनके कारण कि वो लग्न को हानि पहुंचे, स्टोरी आप सबको मालूम है। तो यहां पर ये भी ध्यान देने वाली जरूरत है कि वो लगन के दो मित्र हैं या शत्रु हैं, खासकर जब वो पाप ग्रह हैं, क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं अगर वो रेट्रो होके लगन के शत्रु हैं तो वो मानसिक पीड़ा पहुंचा सकते हैं या थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन ला सकते हैं, लेकिन जबरदस्त हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो पाप ग्रह हैं, मंगल है, शनि है और रेट्रो है, तो वो आपके लगन को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो लगन के शत्रु है। इसी प्रकार से राहु भी वहां पर है और वो लगन का शत्रु है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं सेटबैक भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो चार्ट है, ये जो है कि हमारे देश की पहली महिला जो है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, अगर इनके चार्ट के अंदर भी देखें तो यहां पर जो है कि नवम भाव का स्वामी जुपिटर है, जो कि लाभ भाव के अंदर ही रेट्रो है, वो शत्रु राशि में है लेकिन लग्नेश का मित्र है, तो उनको जो है कि बहुत सपोर्ट करेगा, और वैसे भी ये शुभ ग्रह है तो इतना ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इनको राशि परिवर्तन है, छठे भाव को और ग्यारहवें भाव के स्वामी का, दोनों भाव बलवान हो रहे हैं राशि परिवर्तन के द्वारा भी, और छठे भाव का स्वामी जो है कि रेट्रो होकर और बलवान कर रहा है उसको, लेकिन यहां पर जो है कि उनको 1970 के अंदर जो है कि हार भी मिली चुनाव में,
उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन 3 साल बाद ही उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है कम बैक किया और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को रौंदते हुए एक छत्र जो है कि पार्टी ने बहुमत हासिल किया और जो है कि फिर सत्ता के अंदर काबिज हो गई। और अंत तक जब तक तो उनका जीवन रहा वो सत्ता में बनी रही, यानी कि नंबर वन पोजिशन में बनी रही, अपनी पोजिशन को सस्टेन की। अब एक और चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट हमारे जो आज थर्ड टर्म में दोबारा से जो है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री बने हैं यशस्वी, उनका चार्ट है मोदी जी का। और जो है कि इनके चार्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे, एक तो पहले ही वहां पर जो है कि रेट्रो ग्रह बैठा हो और पाप ग्रह बोला गया, छठे भाव के अंदर अगर पाप ग्रह बैठा हो तो वो जबरदस्त जो है कि परिणाम देता है, यानी कि शत्रुओं से लड़ने की शक्ति हुई। और यहां पर राहु का होने का मतलब यह है कि उनको के जो शत्रु होंगे वो अदर कास्ट के होंगे या भारी होंगे, क्योंकि राहु इस चीज को दर्शाता है। अब यहां पर जो है कि छठे भाव का स्वामी रेट्रो होकर पंचम भाव में गया है, 12वें, अपने से 12वें। तो आप सभी को मालूम होगा कि अपने से 12वें जब कोई ग्रह जाता है तो वो इस भाव की हानि करता है। तो यहां पर जो है शत्रुओं की हानि, जो शत्रु हैं उनकी हानि हो रही है, अर्थात उन पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले ही राहु यहां बैठा हुआ है। ऊपर से छठे भाव का स्वामी रेट्रो हो गया, वो मजबूत हो गया, उसको जो है कि शत्रुओं पे चुनौतियों पे जो है कि पार पाना वो भी जो है कि दिखाता है, और वहां से वो लाभ भाव को देखता है। अब एक चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई, मैं और बता देता हूं कि अगर छठे भाव का स्वामी जो है कि अगर रेट्रो जाए और लगने से उसको देख ले, क्योंकि लगन जो है ना वो करता है, और जब लगन लग्नेश और छठे भाव का स्वामी आपस में परस्पर देखते हैं, साथ बैठते हैं, तो एक तरीके का संबंध बनाते हैं, और जब उनका आपस में संबंध बन जाता है तो वो जो है कि उतनी हानि नहीं पहुंचाता। जैसे यहां पर जो है कि छठे भाव के स्वामी का शत्रु है वीनस, शुक्र। हालांकि वीनस इतना ज्यादा शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वीनस जो है कि जुपिटर की राशि में उच्च का होता है, लेकिन जो है कि जुपिटर उसको शत्रु शत्रु वीनस भी मानता है कि एक कह सकते हैं शीत युद्ध है इन दोनों के बीच में। तो अब इसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो छठे भाव के स्वामी ने इनको हर चुनाव में विजय दिलवाई, ये पहले मुख्यमंत्री रहे, वहां पर 3 टर्म मुख्यमंत्री के पूरे किए, और अब 3 टर्म जो है इन्होंने जो है कि अपने प्रधानमंत्री के भी, मतलब कि अब तीसरी बार चुने गए, हुआ तो नहीं हुआ है लेकिन तीसरी बार चुने गए। आप इसी से आप समझ सकते हैं कि जो पावर है, पावर हाउस छठा भाव है, हमारे जीवन का पावर हाउस है। अगर हम वहां मेहनत करते हैं अपना, क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी इच्छाएं जो उत्पन्न हुई यहाँ पर, अब यहाँ पर जुपिटर जो है कि थर्ड हाउस का भी मालिक है, यानी कि जो इनके स्किल्स हैं या इनका कम्युनिकेशन है या इनका जो भी मीटिंग्स हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स हैं या यात्राएं हैं, उनको बढ़ावा दे रहा है, उनको मजबूती के साथ सहयोग करेगा, क्योंकि वो रेट हुआ तो तीसरे भाव के बारे में काम करेगा, इन चीजों को बढ़ाएगा, छठे भाव को बढ़ाएगा, छठे भाव को बढ़ोतरी करेगा, यानी शत्रु पर भी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका छठे भाव का स्वामी रेट्रो है, वो लग्नेश का मित्र है या लग्न से उसका कोई भी संबंध है, तो वो आपको एक नंबर की पोजीशन पे ले जाकर और वहां सस्टेन करने का काम कर। हालांकि यहाँ तो ये 12वें गया, तो इसको कह सकते हैं कि ये भाई सेकेंड हाउस सस्टेन्स का होता है, ये तो अपने से 12वें गया है, लेकिन यहाँ शत्रुओं का नाश हो रहा है, यहाँ पर बीमारियों का नाश हो रहा है, क्योंकि वो चीजें खत्म हो रही है, क्योंकि उनका लॉस हो रहा है अगर वो 12वें गया है। लेकिन वो रेट्रो है तो छठे भाव के बारे में पूरा चेष्टा बल चेष्टा रखेगा, वहां काम करेगा या वहां के फल अच्छे देने की कोशिश करेगा या अच्छे देगा, अब ये कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए जो है कि मेरे साथ बने रहिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो।
आज्ञा चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।